Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Mera. 2 जून की रोटी के लिए युगांडा गए 7 भारतीय वहां फंस गए हैं। नौकरी देने वाली कंपनी ने उनके पासपोर्ट तक जब्त कर लिए हैं और उनका जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। बंधक बनाकर रखे गए कर्नावल निवासी अशोक शर्मा ने किसी तरह वीडियो मैसेज कर अपने भाई व भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अशोक शर्मा का इस वीडियो में यहां तक कहना है कि उसके सामने अब आत्मघाती कदम उठाने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। फर्स्टपार्ट.टीवी ने आज इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में तेजी से प्रयासरत है। उनकी भी विदेश मंत्रालय में बातचीत चल रही है। अशोक शर्मा मेरठ के कर्नावल जबकि हाल पता कंकड़ बाईपास में रहते हैं। वह 3 माह पहले बेहतर नौकरी के लिए युगांडा गए थे। पहले सुनिए वह वीडियो मैसेज जो अशोक शर्मा ने अपने भाई को भेजा है। मैं अशोक शर्मा गांव कर्नावल जिला मेरठ का रहने वाला हूं। हम यहाँ युगांडा में आए थे और यहाँ से यहाँ आने के बाद हमारा इन्हें काम पता नहीं पसंद आया नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम्हें बॉलर में झुकवा देंगे या पुलिस के मैं पकड़वा कर जेल करवा देंगे। पासपोर्ट भी ले लिया हमारे और मेरी तो हमारी गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमें वापसी बुला लिया जाए। हमें माइंड टॉर्चर किया जा रहा है और कभी कभी मन ऐसा करता है कि आत्महत्या कर ले। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इस बारे में फर्स्टपार्ट.टीवी से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा। युगांडा में 7 लोग हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं जैसी सूचना प्रथम दृष्टया मुझको मिली है, और जो सूचना मिली है उसके हिसाब से उनके मैंने पासपोर्ट और वीजा मंगा लिए थे। आदरणीय विदेश मंत्री जी के एक वरिष्ठ अधिकारी जो IFS हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनको आज पूरा प्रकरण मैंने लिपिबद्ध करके भेज दिया है और उस प्रकरण के आधार पर जैसा भी परिणाम आएगा उम्मीद ये है कि उन्होंने कहा कि हम युगांडा में इसको भेजकर जानकारी करके इसका रास्ता निकालेंगे और मदद होगी। तो जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारत का कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में किसी संकट में पड़ा है तो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कोई टीम हो, चाहे कोई ग्रुप हो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने लगातार उसकी मदद की है। मदद होगी इसका मुझे भरोसा है और मदद के लिए मैंने आग्रह आदरणीय विदेश मंत्री जी को पत्र भेज के किया है। इसमें मेरठ के कर्नावल के हैं, रुड़की से 2 हैं, 2 लोग मुजफ्फरनगर से हैं और कुछ 1-2 लोग और हैं, सब उत्तर प्रदेश के हैं और 7 लोग हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।